अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ, इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स के साथ। आज हम आपको कोल्ड केक बनाना सिखाएंगे। जिसके पास ये बिस्किट्स हों और कुछ अज्जा हैं, चॉकलेट है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा और ऐसे ही बना के आप उसको फ्रीज़ कर दीजिएगा। फिर आप उसको थोड़ी देर बाद निकालिएगा और आप उसको स्लाइसेस में या पीसेस में काट के सर्व कर सकते हैं। पहले हम बनाएंगे बनाना सिनेमन मफिन्स, ठीक है, क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ। और हम फ्राइड बीफ कीमा बनाना आपको सिखाएंगे। इसके अलावा आज हमारे पास लज्जत है ऑन आवर शो, तो वी आर गोइंग टू मेक सम जेली फ्रॉम इट, ठीक है जी। सो लेट मी स्टार्ट, बिकॉज बहुत सारा काम है आज। बनाना सिनेमन मफिन्स के लिए मेरे पास 350 ग्राम मैदा है, बेकिंग पाउडर है 1 चमचा, ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून, 110 ग्राम ब्राउन शुगर है, 2 अदद अंडे हैं, 180 मिलीलीटर्स दूध है जिसको हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाल के बटर मिल्क बनाना है। सिरका भी डाल सकते हैं, बिकॉज लेमन आई प्रेफर, बिकॉज ये नेचुरल होता है। अच्छा, ये हो गया। 80 मिलीलीटर तेल है और 1 कप बनानास चाहिए मैश किए हुए, जो हो थोड़े से राइप, काला जो हो जाता है ना बाहर से केला, उस जो उसकी पील, तो वो बहुत बेहतरीन रहते हैं फॉर आर सच केक्स एंड ऑल, बिकॉज उसका उससे मिठास भी होती है बहुत ज़्यादा केले में। अच्छा, इसको हम बिल्कुल बाद में डालेंगे, इसको पीछे कर लेते हैं। फिर इसको हम फ्रॉस्ट करेंगे क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ। सो ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम बेक करने रख देंगे। आजकल मफिन्स, आई एम गोइंग डूइंग अ लॉट ऑफ मफिन्स टुडे, इन फैक्ट दिस होल मंथ। तो ये केसेस नहीं भी मिले तो आप पेपर लगा दीजिएगा, और या फिर आप इसी में भी बेक कर सकते हैं, अगर अच्छी तरह इसको ग्रीस करना पड़ता है और मैदा लगाइएगा। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सब कुछ मुझे मिक्स कर देना है। ये तेल है, अंडे हैं, ब्राउन शुगर, तेल, अंडे। अब इसमें हम केले डाल के 1 अदद मिक्स करेंगे, बस ऐसे। केले डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा, वी वांट के बड़े बड़े पीसेस टाइप मुंह में आए। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और मैदा है और दालचीनी का पाउडर है, ठीक है, हो गया। मैदा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी, बेकिंग सोडा, ब्राउन शुगर, अंडे, दूध, उसमें लेमन जूस डाल के बटर मिल्क बनाया था, तेल और मैश बनाना, बस ये हमें डालना है अब। सो और स्पैचुला से आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। और इसमें ऑब्वियसली दूध डालना है हमने, तो जो मैंने दूध के अंदर लेमन जूस डाला था उसको थोड़ा सा स्टर कर देंगे। और ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इफ़ यू वांट, एक आध दफ़ा आप बीटर भी चला सकते हैं बीच में। ठीक है, पहले थोड़ा डालते हैं फिर इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, आज हमारे शो पे है डिलक्स केटल इनेक्स की तरफ से, तो अगर आपको जीतना है तो आप जल्दी से 888 पे मुझे बताएंगे बीफ़ के कीमे से क्या क्या आप बना सकते हैं, या आप क्या बनाएंगे बीफ़ के कीमे से इस ईद पे। जल्दी से मुझे 888 पे मैसेज कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, तो आप चम्मच से उठा के ना ऐसे करके डालेंगे तो ये गिरना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, सो वी विल नॉट ऐड एनी मोर बटर मिल्क, जितना लिखा है उतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे। और अच्छी तरह इसको बस मिक्स कर दीजिएगा, बस दैट्स इट। अब हम ये केसेस जो हैं उसमें निकालेंगे और इसको हम बेक करने रख देंगे। फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तब हम क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग करेंगे, तो वो हम करेंगे जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, वरना फिर गर्म होंगे तो बह जाएगा। कल का जो कैरेट का मैंने आपको कैरेट केक्स बनाना सिखाए थे ना, बहुत ही अच्छे बने हैं,
आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको सुल्तानाज नहीं पसंद तो किशमिश डालिएगा, या अगर आपको गाजर की मकदार बढ़ानी है थोड़ी वो भी बढ़ाइएगा, मगर बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटे कैरेट केक्स क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ, जिसमें हमने खजूर डाली थी, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आया था, मगर आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको निकाल के ओवन में रख देती हूँ बेक करने के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमें ये मफिन्स बेक करने हैं, फिर हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, दूसरी रेसिपीज़ की तरफ भी आएंगे, आके मैं इसको पूरा रिकैप करूँगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज मसाला टीवी, और बनाना सिनेमन मफिन्स अवन में जा चुके हैं। 350 ग्राम मैंने मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दिया था, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाला था और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। छान के एक बोल में रेडी करके रख दीजिएगा। 2 अदद अंडे बीट करिएगा, उसमें 80 मिलीलीटर्स हमने डाला था तेल, ठीक है, वो आपने मिक्स कर देना है। फिर ब्राउन शुगर 110 ग्राम थी और 1 कप मैश्ड केले थे, और इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, बनाना नट मफिन्स हो जाएंगे। और हमने ये सारी चीज़ों को मिक्स किया, फिर हमने जो मैदा वगैरह था वो भी डाल दिया, और 180 मिलीलीटर दूध मैंने यहाँ रखा था, उसमें मैंने 1/2 नींबू का रस डाल के उसको बटर मिल्क कर दिया, लेकिन वो पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ था। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा और फिर उसको बेक करने रख दीजिएगा, और बेक होके निकलेगा, ठंडा होगा, तो फिर हम क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ उसको फ्रॉस्ट कर देंगे। तो यहाँ क्रीम चीज़ का एक टब है, आजकल क्रीम चीज़ कुछ जगहों पे मिल भी नहीं रहा है, और क्रीम चीज़ महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं क्रीम चीज़ का इस्तेमाल, तो आप क्या करिएगा, आप दही का मट्ठा बना लीजिएगा, दही को टांग लीजिएगा, 1/2 किलो दही को जो बच जाएगा मलमल के कपड़े में, उसको अच्छी तरह बीट करिएगा कि वो मतलब वो दाना नज़र नहीं आए दही का बिल्कुल भी उसमें, ठीक है, आइसिंग में, फिर अच्छी तरह उसको आइसिंग शुगर के साथ बीट कर दीजिएगा, और फिर वो उसको उसी दिन इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना दही का पानी निकलेगा। आइसिंग शुगर और क्रीम चीज़ है, इसमें बहुत थोड़ा सा हम दालचीनी का पाउडर डालेंगे एंड दैट्स इट, बस ये ऊपर जाएगा। आप दालचीनी ऊपर से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल जस्ट एड इट इन द फ्रॉस्टिंग ओनली, ताकि फिर वो अच्छा सा हर जगह स्प्रेड हो जाए, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। फिर टेस्ट कर लीजिएगा, इफ़ यू फील के कम है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेट जाए, यू कैन ऐड थोड़ा सा, से 1/4 टीस्पून जितना आप डालिएगा, ओके। कायनात है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जाएंगा? आपके सामने ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। जनक मुझे पूछना था, मेरे पास ओवन वगैरह नहीं है। क्या नहीं है? ओवन नहीं है किसी भी तरह का। अच्छा, तो ये कोल्ड केक तो बनाइए, जो मैं अभी इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट के साथ बनाऊंगी ना, वो कोल्ड केक बना लीजिएगा। अच्छा, और ये मफिन आप बनाना सिखाती हैं क्या, क्या मैं इसको डीप फ्राई कर सकती हूँ? नहीं, डीप फ्राई नहीं, ये डीप फ्राई नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सिखाई हैं अवन के बगैर वाली, नो बेक, उनको ट्राई करिए ना। ठीक है ठीक है, मुझे मफिन बहुत अच्छे लगते हैं आपके। अच्छा जी, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा है जनक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी सवाल है जनक जी, इंस्टेंट एक सवाल है डिलक्स केटल के लिए एनेक्स की तरफ से, आपने बताना है मुझे बीफ से बनने वाली रेसिपीज के नाम, ठीक है, बीफ, बीफ का कीमा, बीफ के कीमे से, बड़े गोश्त के कीमे से, बीफ के कीमे से। अच्छा, कबाब बनते हैं, सीख कबाब बनते हैं, कीमा बनते हैं दम का। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, नाउ फॉर द इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स, कोल्ड केक बना रहे हैं हम, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें चॉकलेट पिघलानी है, बिकॉज चॉकलेट से ये सारी चीज़ें बाइंड होंगी, ठीक है, सो दैट्स वाई मैं इसको
कम टाइम के लिए माइक्रो कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं एक मिनट दो मिनट कंटिन्यूसली मैं इसको माइक्रो कर दूंगी तो क्या हो जाएगा कि ये ख़राब हो जाती है, सीज हो जाती है, हार्ड हो जाती है चॉकलेट, फिर आप उसको किसी चीज़ में मिक्स नहीं कर सकते हैं। सो मक्खन है मेरे पास, इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी है, कोको पाउडर है, अंडा है और बहुत सारी ये चॉकलेट है। ठीक है, शॉर्ट बर्स में इसलिए करते हैं कि देखिए अभी भी बोल काफ़ी गर्म है, अगर मैं इसको एकदम से बहुत ज़्यादा कर दूंगी तो फिर टू मच हो जाएगा ना। ये देखें, ये देखें, ठीक है, इसको हम मेल्ट होने देते हैं, थोड़ा सा एक तरफ रख लेते हैं। मीनवाइल हम यहाँ से बटर क्रंच बिस्किट लेते हैं, ठीक है, इसको हम मोटा मोटा चॉप करेंगे आज, इसीलिए मैं इसको वो नहीं करना चाहती, फूड प्रोसेसर में नहीं डालना चाहती। बहुत अच्छे टेस्टी बिस्किट्स हैं। टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस, मैं आपको फज बनाना सिखाऊंगी, आज कोल्ड केक हो गया, उस दिन मैंने मैंगो चीज़ केक बनाना सिखाया था। तो इसी तरह देखते रहिएगा हमारे सारे शोज़ और हमसे सीखते रहिएगा हाउ यू कैन मेक समथिंग फॉर ईद ऑल्सो ऑन ईद। आप बहुत सारी रेसिपीज़ हमारी ट्राई कर सकते हैं, आइडियाज़ हम कितने सारे शेयर करते हैं ना। ओके, तो इसमें क्या है, मक्खन है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, कोको पाउडर है, अंडा है और चीनी है। ठीक है, ये बहुत मीठे बिस्किट्स हैं तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, और चॉकलेट मेरी डार्क कुकिंग चॉकलेट है। मैं क्या करूँगी, इसको बस मुझे चॉप अप कर देना है इनटू बिग पीसेस, आई डोंट वांट कि ये बिस्किट्स जो हैं वो चूरा हो, पीसेस मुँह में आने चाहिए। ठीक है, बहुत टेस्टी बिस्किट है। Reminds me of some बचपन का taste, I don't know क्या, something that I have had. बस ये है biscuits. Okay, now I'll bring a bowl और हर चीज़ हमें बस mix कर देनी है। देखें, ये चीनी गई हाफ अ कप जितनी है, ठीक है जी, फिर अखरोट हैं, बादाम हैं चॉप किए हुए, किशमिश है, अच्छी तरह धोइएगा, और एक अदद अंडा है टू बाइंड इट, अगर आपको लगे कि कच्चा अंडा नहीं डालना है तो नहीं डालिएगा, कोको पाउडर है और मिक्स मिक्स मिक्स, ये इनोवेटिव के जो बिस्किट्स हैं ये सारे के सारे इसमें चले जाएंगे चॉप किए हुए इस तरह, ठीक है, और मक्खन को मुझे थोड़ा सा पिघलाना है। मक्खन पिघल जाएगा उसमें डाल देंगे, चॉकलेट डाल देंगे, और फिर यहाँ मेरे पास एक क्लिंग फिल्म लगा के मैंने एक वो रखा हुआ है लोफ टिन, ये लोफ टिन के अंदर सब कुछ भरेंगे। ये पिघला हुआ थोड़ा सा मक्खन है, मिक्स एवरीथिंग वेल, इसमें कोई मिकदार का वो है ही नहीं, बिकॉज आप अपने अंदाजे से करिए, आपको जितने नट्स ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। राबिया हैं सरगोदा से, उनसे आप बात करते हैं। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन ज़रनक, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत ज्यादा रेसिपीज ट्राई करती हूँ, थैंक यू, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू, थैंक यू जी ज़रनक, और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी जी। मैं हम लोग तो वो बनाएंगे चप्पल कबाब और बीफ कबाब। अच्छा जी, बीफ के कीमे से जी। ओके ठीक है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है जी। जी ज़रनक, आप ना हमें काइंडली बेल वीटा बिस्किट होते हैं वो बनाना सिखा दीजिए प्लीज। वो कहाँ से खाया आपने?
वो हमें किसी ने भिजवाए थे, बाहर से आए थे हमारे लिए। कहाँ से? कोई बाहर से आए थे हमारे लिए। क्या बोल रही है? अच्छा, आप मेरे डायरेक्टर साहब को बता दीजिए कि क्या कह रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं से जाके खाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? कहीं से किसी ने अगर आपको भिजवाए हैं तो फिर मुझे भी खाने पड़ेंगे ना। मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की बात कर रही हैं। ओके सुनाओ, ये यहाँ क्लिंग लगा के एक लोफ टिन रख दिया है, इसमें हम पूरा ये डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने क्यों चॉकलेट बचाया है ऊपर से डालेंगे। ओके, इसमें आप चेरीज भी डाल सकते हैं, लाल रंग के चेरीज बेहतरीन लगते हैं उसमें। ये बिस्किट का जो क्रंच है ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको मैं निकालती हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। आपने क्या करना है, बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं 8881 पे अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से एक केटल, ठीक है? मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ SMS करिएगा 8881 पे। और अब बताइए कि बीफ के कीमे से आप क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है जी? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आई वॉज वेटिंग यर कि आप लोगों को दिखाऊं। मैंने इस ट्रे को टर्न किया था इसलिए कि जो पीछे वाले थे वो हो गए थे, आगे वाले जो थे वो नहीं हुए थे, ठीक है? तो इसलिए आई वॉन्टेड कि ट्रे को आप टर्न कर दीजिए, रोटेट कर दिया करें हाफ वे थ्रू बेकिंग। अच्छा, तो ये हो जाएंगे, निकलेंगे, ठंडे होंगे। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जिसमें हमने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला था वो डाल के हम फिर उसको सर्व कर देंगे। नॉर्मली मफिन्स डोंट नीड एनी फ्रॉस्टिंग, मफिन्स ऐसे ही प्लेन ही आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये है बहुत मज़ेदार सा बनता है, फिर ट्राई करिएगा। इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स के साथ जो मैंने कोल्ड केक बनाया था वो यहाँ रेडी है। अब जो चॉकलेट पिघला के हमने रख दी थी ना, वो ऊपर से हम ड्रिजल कर देंगे थोड़ी सी, और मज़ेदार सा लगेगा ये, टेस्टी सा। अब ये थोड़ी सी और चॉकलेट मुझे माइक्रो कर देनी है, बिकॉज़ यहाँ ACs चलते हैं ना, तो सब कुछ दोबारा सेट हो जाए। चॉकलेट आप ऊपर से डाल के फिर उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, निकालिए, स्लाइसेस में काट लीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं विद चेरीज एंड ऑल। और मज़ीद आप इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स को चॉप करके भी डाल सकते हैं, एनी थिंग यू लाइक, एनी वे। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज ओप्स, आप कैसे टूटे हुए निकले, डन। ठीक है जी, अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में और फिर निकालेंगे। ये हो गया रेडी, बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब आते हैं हमारी लज्जत की रेसिपी की तरफ। आज मैंने सोचा कि हम बनाते हैं जेली, खीर फिरनी बहुत सारी बना ली ना। अच्छा, ये है मैंगो फ्लेवर, ओ लवली, आई कैन मेक अ मैंगो ट्राइफल विद दिस। तो मैंगोज अभी सीजन में हैं, तो मैंगो जेली, मैंगोज काटिए, क्रीम लीजिए, मैंगो का कस्टर्ड या वेनिला कस्टर्ड बनाइए, और इसी तरह फिर उसको लेयर करते जाइए और मज़ेदार सा मैंगो ट्राइफल की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये चीज़ें आप बना के रख सकते हैं, इवन जेली आप बना के रख सकते हैं, ठीक है? लज्जत के आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे हैं, मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ। खीर मिक्स है, जेली फालूदा है, और मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली है, फिरनी मिक्स है दो किस्म की, और लज्जत रोस्टेड वर्मिसेली है। ओके, डन, ये सब हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम फ्राइड बीफ कीमे की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ सबसे पहले प्याज फ्राई करने हैं, दो बड़े प्याज हैं। सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, बीफ का कीमा है आधा किलो, उसको आप धो के छन्नी में रख दीजिएगा। और दूसरे क्या क्या अज्जा हैं,
साबुत जो गरम मसाला है उसमें ये लौंग है, दालचीनी के स्टिक्स हैं और छोटी हरी इलायची है, ठीक है, ये जाएगी। हल्दी है, थोड़ा सा खोपरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, काजू है, लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया है और मटर है। समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग अलग तो होना चाहिए ना, वरना सेम ही टेस्ट लगेगा हर चीज़ का आपको। प्याज आपने डाल दिए और यहाँ हम ज़रा जेली को स्टर कर देते हैं, लज्जत की जो जेली है मैंगो फ्लेवर की। मिसेस नवाज़ हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपके सामने फरमाइए। आप ही आपके कॉल का जवाब देना चाहते हैं? जी जी बोले, करना चाहती हूँ जी। आपने बीफ गोलाश बनाना सिखाया है क्या जी? पाई कढ़ी बनाना सिखाया है, प्याजा बनाना सिखाया है, जाफरानी पाए बनाना सिखाया है, टिक्का बोटी बनाना सिखाया है। बीफ के कीमे से रेसिपीज के नाम आप सुनिए ना सवाल। कीमे कीमे अच्छा, ठीक है, ओके जी, बीफ वाले बता रही हूं आपको। ओके, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है आपका जवाब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, यहाँ जेली हो रही है, ये हो जाएगी तो इसको हम सेट करने रख देंगे। और यहाँ प्याज मुझे अच्छे से ब्राउन आज तलने हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हमारे पास आज डीलक्स केटल है एनिक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है तो जल्दी जल्दी 8881 पे आप मुझे बताएंगे बीफ के कीमे से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, 8881 पे SMS करिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, वहाँ चेक करना जा रही हूँ कि ये मफिन्स हो गए कि नहीं, बिकॉज फिर ओवर बेक नहीं हो जाए, ठीक है, हो गए। छह बड़े साइज के मफिन्स बन गए हैं, अगर नहीं है मफिन केस परेशान नहीं होइएगा, कपकेक के टिन में बना लीजिएगा। ओके जी, ये फिर निकालते हैं, जाली पे इसको रखते हैं। कोल केक हमारा फ्रिज में है, ये जेली हो गई है, इसको हम पोर करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि इट सेट्स। मैंगो जेली, लज्जत की मैंगो जेली, जब तक प्याज हम तल रहे हैं ब्रेक का वक्त भी हो चाहता है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। यहाँ अच्छी तरह तेल में दो बड़े प्याज चॉप करके हमने फ्राई कर दिए हैं और हल्के सुनहरे हो जाएं, फिर आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा और साबुत गरम मसाला डाल दीजिएगा जिसमें है लौंग यानी क्लोव्स, दालचीनी यानी सिनेमन और छोटी हरी इलायची ग्रीन कार्डमम्स। ओके जी, और इसको आप अदरक लहसुन को हमेशा सौते करिएगा, कच्चा कच्चा नहीं। फिर आप इसमें बीफ का कीमा डाल दीजिएगा, अच्छी तरह इसको भूनिएगा खूब सा। चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी, बीफ से भी, लेकिन ज़रा ज़ोर है आजकल बीफ वाले रेसिपीज पे, इसलिए है कि गोश्त वाली ईद है ना, मीठी ईद है। मैंने आज किसी को कहा मीठी ईद, उसने कहा मीठी ईद तो नहीं है, वो तो मीठी ईद है। मैंने कहा गोश्त वाली ईद को हम मीठी ईद कहते हैं ना, गोश्ती गोश्त वाला, हर जगह। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गोश्त नहीं खाते हैं इस ईद से, कैन यू इमेजिन, आई वंडर व्हाई। ओके, चलिए अब है हल्दी पाउडर का टर्न, फिर लाल मिर्चों का पाउडर, और हम इसमें खोपरा डालेंगे, दो चम्मच है बस, नारियल का बुरादा है, और क्या है यहाँ छुपा हुआ, बस मटर एंड में जाएंगे, इसलिए कि मटर मैंने बॉईल किए हुए हैं, मेरे घर में जो मटर हैं वो हमेशा बॉईल्ड हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, मफिन्स आप सोचेंगे कहाँ गायब हो गए, मैंने फ्रिज में रख दिए हैं हमेशा की तरह, जल्दी से ठंडा करने के लिए, ताकि जब मैं इसके ऊपर ये एक एक चमचा रखूँगी ये सिनेमन वाला क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बह जाए पूरा, ठीक है। आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, आई होप 8881 पे, अगर आपको ये केतली जीतनी है डीलक्स केटल एनेक्स की तरफ से, जल्दी जल्दी 8881 पे बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और हमें बताइए दो तीन रेसिपीज़ के नाम जिसमें बीफ का कीमा आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी।
और ऊपर से हम गार्निश करेंगे आज विथ क्या कहते हैं काजू एंड व्हाट एल्स इज देयर मैं बेटर पुट दिस देयर ये गिर रहा है काजू और धनिया ठीक है लज्जत की जेली भी फ्रिज में रखती है कोल्ड केक जो हमने इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट्स के साथ बनाया था वो भी फ्रिज में है इसको ब्रेकअप कर दीजिएगा कीमे को वरना क्या होता है क्लंप हो जाता है ना ऐसे जकड़ सा जाता है तो अंदर से फिर कहीं कहीं से कच्चा रह जाता है पिंक पिंक आपको नज़र आ रहा है ना इसको इस तरह तोड़ते जाइए ठीक है भून भी लीजिए साथ साथ अभी मैं पानी वानी कुछ नहीं डालूंगी प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा उसमें आप साबुत गरम मसाला डालिएगा इसके अलावा आप इसमें खोपरा डालिए नमक डालिए मटर डालिए और एंड में काजू के और धनिया डालिएगा और मसालों में मैंने लाल मिर्चों का पाउडर हल्दी डाला था एंड दैट्स इट फ्राई बीफ का कीमा है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना दही है ना टमाटर है ना कुछ है सिंपल रेसिपी है चंद अज्जा के साथ बनाइएगा ज़रूर बहुत थोड़ा सा पानी डाल के बिकॉज आई हैव नो टाइम ऑन द शो इसलिए हाँ आप लोग तो इसको भूनेंगे अच्छी तरह इसको आप फ्राई करिएगा और इसको मैं ढाँक देती हूँ ताकि एसी की भाप में ये पक जाए फिर हम मटर डालेंगे अगर आपने मटर बॉईल नहीं किए हैं तो बॉईल किए हुए मटर डालिएगा ब्लांच या बॉइल्ड मटर डालिएगा ठीक है काजू ऐसे डालना चाहे ऐसे डालिए प्लेन वाले या फिर रोस्टेड या सॉल्टेड जो भी बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा धनिया दैट्स इट ठीक है जी तो ये बीफ का फ्राइड कीमा हो गया बनाना सिनेमन मफिन्स हमारे हो गए हैं हमारा फ्रॉस्टिंग यहाँ है बहुत थोड़ा सा लगेगा लेकिन एक एक चमचा बेसिकली जाएगा आप इसको पाइप भी कर सकते हैं लेकिन आपने देखा कि मफिन्स टेढ़े शेढ़े बेक होते हैं तो उसको फिर ऊपर से ऐसे ही डालेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा तो बेहतरीन सा टेस्ट आएगा इट्स लाइक अ सिनेमन रोल जिसके ऊपर आपने कुछ क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग डाला थोड़ा वार्म भी होगा तो वो पिघल जाएगा लेकिन टेस्ट तो आता ही है ना आज कहाँ हैं हमारे फैंस एंड व्यूअर्स फोन्स नहीं आ रहे हैं देखिए याद करते हैं तो आ जाती है सफिया हैं गोटकी से जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके कैसी हैं आप शुक्र है सुना हूँ कैसी हो मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी फरमाइए ठीक हूँ कर रही हूँ और तो कोशिश कर रही हूँ शुक्र है आवाज नहीं आ रही माशाल्लाह क्या जी बहुत अच्छी लग रही है मैंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग तो आपकी क्या बात है बहुत शुक्रिया हमारा शो देखिएगा जरूर ठीक है रेसिपी ट्राई करिएगा जी और ईद के दिन आप लाइव करेंगी क्या करूं ईद के दिन लाइव शो जी जी आपके साथ हैं हम और मैंने आपसे एक रेसिपी पूछनी थी क्या जी फल बहुत लगते हैं इनकी लाइन में कोई डिस्टरबेंस है पूछिए क्या पूछ रही हैं आप पूछिए उसको प्लीज़ फातिमा थैंक यू ओहो कॉल भी ड्रॉप हो गई दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़ और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक से आएंगे तो एवरीथिंग विल हैव टू बी रेडी तो कहीं मत जाइएगा मेरे साथ रहिए देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी और अगर आपने जीतना है इनएक्स की कैटल अभी भी वक्त है जल्दी जल्दी 888 पे बहुत सारे मैसेजेस एसएमएस करिएगा ठीक है मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम शेयर का नाम एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा जाते जाते मैं मटर भी डाल देती हूँ स्टे ट्यून्ड फ्राइड बीफ कीमा अच्छा बीफ का कीमा 250 ग्राम तेल दो खाने के चमचे लौंग 4-5 अदद हरी इलायची 2-3 अदद दार चीनी एक टुकड़ा प्याज स्लाइस 1-2 अदद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा मटर 1/4 कप इसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा नमक हसब जायका नारियल 2 खाने के चमचे काजू गार्निश के लिए हरा धनिया गार्निश के लिए तरकीब पैन में तेल गर्म करके लौंग इलायची और दार चीनी को शामिल करके फ्राई करें अब प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर तलें फिर कीमा और नमक मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें इसमें मटर पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर पकाएं जब कीमा तैयार हो जाए तो इसमें नमक और नारियल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें आखिर में काजू और हरे धनिए से गार्निश करें बनाना सिनेमन मफिन्स अच्छा मैदा 350 ग्राम बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा पिसी दार चीनी 1 चाय का चमचा
बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 110 ग्राम, अंडे 2 अदद, बटर मिल्क 180 मिलीलीटर, तेल 80 मिलीलीटर, मैश केले 1 कप, फ्रॉस्टिंग केट्सा, क्रीम चीज 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 40 ग्राम, पिसीदार चीनी आधा चाय का चम्मच। तरकीब, मैदा, बेकिंग पाउडर, पिसीदार चीनी, ब्राउन शुगर और बेकिंग सोडा मिक्स करें। उसके बाद अंडे, बटर मिल्क और तेल को अलग बोल में मिक्स करके मैदे के मिक्सचर में मिला दें। फिर मैश केले शामिल करके फोल्ड कर लें। अब मिक्सचर को मफिन ट्रे में डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा करें और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगा दें। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर को बीट कर लें और मफिन पर लगाकर पिसीदार चीनी छिड़क कर सर्व करें। फ्राइड बीफ कीमा, अच्छा बीफ का कीमा 250 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, लौंग 4 से 5 अदद, हरी इलायची 2 से 3 अदद, दार चीनी 1 टुकड़ा, प्याज स्लाइस 1 से 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मटर 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नारियल 2 खाने के चमचे, काजू गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके लौंग इलायची और दार चीनी को शामिल करके फ्राई करें। अब प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर तलें, फिर कीमा और नमक मिलाकर 1 मिनट फ्राई करें। इसमें मटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर पकाएं। जब कीमा तैयार हो जाए तो इसमें नमक और नारियल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में काजू और हरे धनिए से गार्निश करें। बनाना सिनेमन मफिन्स, अच्छा मैदा 350 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी दार चीनी 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 110 ग्राम, अंडे 2 अदद, बटर मिल्क 180 मिलीलीटर, तेल 80 मिलीलीटर, मैश केले 1 कप, फ्रॉस्टिंग केट्सा, क्रीम चीज़ 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 40 ग्राम, पिसीदार चीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब, मैदा, बेकिंग पाउडर, पिसीदार चीनी, ब्राउन शुगर और बेकिंग सोडा मिक्स करें। उसके बाद अंडे, बटर मिल्क और तेल को अलग बोल में मिक्स करके मैदे के मिक्सचर में मिला दें। फिर मैश केले शामिल करके फोल्ड कर लें। अब मिक्सचर को मफिन ट्रे में डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा करें और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगा दें। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर को बीट कर लें और मफिन पर लगाकर पिसीदार चीनी छिड़क कर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें, फ्राइड बीफ का कीमा जो है वो निकाल दिया है, ऊपर काजू और धनिया के साथ गार्निश कर दिया है। लज्जत की जेली हमारी मैंगो फ्लेवर की रेडी है। इनोवेटिव बटर क्रंच बिस्किट से जो मैंने कोल केक बनाना आपको सिखाया है, अवन जिसके पास नहीं हो इस तरह का कोल केक बना सकता है, वो रेडी है। और ये जो बनाना मफिन्स हैं ये रेडी हैं। अब ठंडे भी थोड़े से हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं उनको आइस भी कर दूँ, तो चम्मच के साथ ही आज तो मैं ऐसे ही ऊपर ब्लॉक करके रख देती हूँ, इसलिए कि ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हर दफ़ा स्वर्ल्स आप पाइप नहीं करिए, ये ऐसे चमचा लीजिए, इसको रखिए और ऐसे करके बस रख दीजिए, फिर ये खुद ही थोड़ा सा वार्म होगा तो स्प्रेड आउट हो जाएगा, वेस्ट नहीं करिएगा, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। ये लीजिए ऐसे करके, एक आध अखरोट रख सकते हैं, या पता है क्या, बनाना के चिप्स भी आते हैं जो मीठे नहीं होते हैं, खारे होते हैं, लेकिन डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगेंगे। कच्चा केला नहीं रखिएगा, वो बहुत बुरा लगता है। बस रेडी, ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। और कौन जीता है आज कैटल एनिक्स की तरफ से? जी समीना इलियास इस्लामाबाद से, मुबारक हो जी आपको। इसी तरह हमारा साथ दीजिए, रेसिपीज़ ट्राई करिए, हमारे शोज़ देखिए, और रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है शो। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो उस वक्त देख लीजिएगा, ठीक है जी। सो ऑल आर फॉर रेसिपीज़ आर रेडी। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।